Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मध्य प्रदेश की राजगढ़ में कलेक्टर के थप्पड़ पर गरमाई सियासत। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कलेक्टर एवं एसडीएम पर कार्रवाई करे सरकार। दिग्गज नेता पहुंचे ब्यावरा। ब्यावरा में अधिकारियों व भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में विवाद के बाद इस मुद्दे पर सियासत जहां गरमाई हुई है, वहीं बुधवार को ब्यावरा पहुंचे दिग्गजों ने एफआईआर दर्ज कराने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी नेता पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित महासचिव कैलाश विजयवर्गीय व प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह व नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने पहले नगर पालिका कॉम्प्लेक्स में भारी जनसभा को संबोधित किया। देखें पूरी खबर तेलका इंडिया न्यूज भोपाल पर। जुलुम किया तो और लड़ेंगे, जुलुम किया तो और लड़ेंगे, जुलुम किया तो और लड़ेंगे। हर जोर जुलुम की टक्कर में भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। और इसलिए कार्यकर्ता बहन और भाइयों, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बोलो डरे तो नहीं हो? अरे जोर से बताओ डरे तो नहीं हो? क्या हम इनसे डरेंगे? बड़े बड़े झंझावातों से निकल के आए, हम नहीं चाहते मध्य प्रदेश को हिंसा की आग में झोंका जाए। ये मैडम सोनिया गांधी चाहती है, हम शांति बनाए रखना चाहते हैं, हमारा प्रदेश है। लेकिन अगर ये अत्याचार और अन्याय हुआ तो हम चुप नहीं बैठेंगे। सुन लो कमलनाथ, आज जंगे की चोट कर रहे हैं, ये अत्याचार बंद करो, ये अन्याय बंद करो। और सुन लो, नूर की एक किरण, नूर की एक किरण जुल्मात पे भारी होगी। रात तुम्हारी है लेकिन सुबह हमारी होगी। और वो सुनहरी सुबह लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संघर्ष करेगा। और इसलिए हम लड़ेंगे हर अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ। हम बेटियों का सम्मान करते हैं मेरे बहनों और भाइयों। हर बहन और बेटी हमारे लिए दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है, उसकी हम पूजा करते हैं। लेकिन बात ये सही कही गोपाल जी ने, प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी होता है, उसको इजाजत नहीं है कि वो किसी पर भी हाथ उठाए। और इसलिए हमारी मांग है कि जिनने हाथ उठाया है जनता के मुंह पर तमाचा मारा, और केवल रवि बड़वानी के मुंह पर तमाचा नहीं है, ये तो लोकतंत्र के चेहरे पर तमाचा मारा है। हुजूरी करते हैं, अगर भारत मां का अपमान करते हुए किसी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी को बर्दाश्त ना हो और वो कोई केस दर्ज कर ले, रातों रात उस पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी का स्थानांतरण कर दिया जाता है, उसका लाइन अटैच कर दिया जाता है। हिंसा होती है लेकिन आप रोकते नहीं, हिंसा को बढ़ाते हैं। लेकिन ये भारत मां के लाल, हमें गर्व है कहते हुए कि देश में जहां जहां भी नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में रैली हुई है, भाई और बहनों बताइए क्या एक में भी कहीं हिंसा हुई है क्या? अरे एक में भी कोई हिंसा नहीं हुई। केवल विरोध करने वाले हिंसा करते हैं, उनको आपके अधिकारी कर्मचारी रोकते नहीं। राजगढ़ में सारी सीमाएं आपने लांघ दी। अरे दिग्गी राजा, आज मध्य प्रदेश की जनता पूछना चाहती है, राजगढ़ को आप गर्व से अपना कहते हो, यहां भारत मां का अपमान हो रहा है, आपको लगता है ऐसा करके कांग्रेस मजबूत होगी? अरे यहां से निकल के भोपाल गए, भोपाल ने जनता में भोपाल ने सबक सिखा दिया, प्रदेश की धरती पे कहीं भी आ जाओ, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, हिसाब किताब चुपता करके रहेगा। राष्ट्रभक्त मैदान में क्यों? अभी दो दिन पहले ब्यावरा में सारे राजगढ़ जिले के देश प्रेमी, राष्ट्रवादी, संविधान प्रेमी सारे भाई बहन एकत्रित हुए, भारत माता की जय जयकार करने, तिरंगे को लहराने, वंदे मातरम का गान करते हुए जो लोग अपनी जगह बैठे हुए थे उसको प्रशासन ने आड़े हाथों लिया। आईपीसी सीआरपीसी में कहीं भी प्रावधान नहीं है, भारतीय दंड संहिता में कहीं प्रावधान नहीं है, हमारे कानून विधान में कहीं प्रावधान नहीं है कि कोई अधिकारी किसी कार्यकर्ता के लिए, किसी आम जनता के आदमी के लिए लाठियों से पीटे मारे।